गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। मुर्शिदाबाद में 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भयावह सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक स्थानीय पंचायत प्रमुख का बेटा बताया जा रहा है। इसके अलावा घटना में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। SSKM अस्पताल में CM ममता बनर्जी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए भाजपा सांसद लाकेट चैटर्जी पहुंची। उन्होंने कहा कि कल की घटना काफी आश्चर्यजनक है, इतनी सुरक्षा के बावजूद कैसे हमला हो सकता है। राज्यसभा का मेंबर डेरेक ओब्रायन जी के साथ मेरा बात हुआ। अभी 7 दिन, मिनिमम 7 दिन का रेस्ट है। पैर में प्लास्टर हो चुकी है और हेड में कोई ऐसा इंजरी नहीं है, क्लियर है। वो जी इसके हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसमें कुछ राजनीति नहीं देख रहे हैं, हम लोग राजनीति नहीं चाहते हैं। ये मानवीयता का बात है, ये हृदय से होता है। हम लोग सब लोग बंगाल से है, कोई किसी का चोट लग जाएगा तो उसके पास में खड़ा होना चाहिए और जो दोषी है उसकी इन्वेस्टिगेशन करके शास्ति होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन तो हम लोग मांगा है ना, हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो सिक्योरिटी जो दिया है जेड प्लस कैटेगरी का सिक्योरिटी है CM का, तो उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब है कि तृणमूल ये जो घटना कल घटी है उसको राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसको राजनीति में नहीं जुड़ना चाहते हैं। हम लोग हाई लेवल की प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर हुए हमले को वोट की राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा है कि फोटो के लिए पैर में बैंडेज बांधकर कोई भी सो सकता है, लेकिन उस फोटो के सहारे से वोट नहीं मिल सकता। उन्होंने जानना सत्यता सामने चले आसो, पुरोटाई जेटा এখনো নি করছেন সেটা ড্রামা। আমাদের কত কর্মী লেগেছে, আমাদেরও চোট লেগেছে, আমরা ড্রামা করেছি, আমরা ট্রিটমেন্ট করেছি, তারপরে তার যোগ্য জবাব দিয়েছি। আজকে জবাব দেওয়ার ক্ষমতা নাই, केवल ड्रामा। এটা তো পুরনো অভ্যাস না, PhD করেছেন ড্রামাতে। গিরে যা উসমে চক্রান্ত ক্যা, তো বাংলায় একটা কথা আছে, নাস্তে না পারলে উঠোন বাঁকা। তো তাই হচ্ছে, কিন্তু মুঝে যাহা তক মালুম হওয়া উনকা গাড়ি কিসি খম্বে পর টক্কর মারা হয়, উসনে প্যার মে চোট লাগা হয়, বড়ি দুঃখ কি বাত হয়। লেকিন ইস প্রকার ঘটনা ভি নহীঁ হোনি চাহিয়ে। চিফ মিনিস্টার কে সাথ জেড প্লাস ক্যাটেগরি জিনকা সুরক্ষা হয়, কেসে চোট লাগতা হয়। उनके बयान के अनुसार कोई बाहर से आके धक्का मार के गया है, ये कैसे संभव है। इतना निकम्मा हो गया यहाँ के पुलिस, तो फिर बोलिए हम लोग सेंट्रल फोर्स दे देते हैं उनको। दीदी गिर जाएगी और मोदी जवाब देंगे, कितना निकम्मा और ये लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं ये लोग। अब बंगाल के लोग इतना बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ड्रामा उन्होंने देखा है, अब सारा ड्रामा खत्म होगा। हार रहे हैं, जब रोज पार्टी छोड़ के हजारों लोग आ रहे हैं, तो उससे और कुछ करने का नहीं है, सिंपैथी वोट क्रिएट करने के लिए। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सीट से आज BJP प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया में अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले शुभेंदु ने मंदिरों में दर्शन किए। उनके साथ 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र के अकोला में आज रात 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। ये लॉकडाउन सोमवार यानी 15 मार्च 8 बजे तक रहेगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहेगी। पिछले दिनों बेंगलुरु में एक जोमैटो डिलीवरी बॉय के महिला की नाक पर मुक्का मारने का मामला सामने आया था। डिलीवरी बॉय पर आरोप था कि उसने महिला के जरिए ऑर्डर लेट की वजह से कैंसिल करने पर महिला की नाक पर घूसा मार दिया, जिसके बाद महिला ने एक के बाद एक कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए। देश में कोरोना वैक्सीन का काम मिशन मोड में जारी है। अभी तक 2.5 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इस बीच कुछ खबरें चिंताजनक भी आ रही हैं। महाराष्ट्र में 2 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कार्यक्रम के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने होटल में जमकर बवाल किया। आरोप है कि सपा के कार्यकर्ताओं और अखिलेश यादव के सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों के साथ मारपीट की। इस हंगामे में कई वीडियो सामने आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पिछले करीब 3.5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच पंजाब से राहत की खबर है। अमृतसर में कृषि कानूनों के खिलाफ
रेल के पटरियों पर बैठे किसानों ने धरना खत्म कर पटरियों को खाली कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ट्रेनों के रद्द होने से किसानों और व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए किसानों ने 169 दिनों के बाद धरना प्रदर्शन को खत्म करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस महामारी फैलने पर देश भर में पिछले साल लॉकडाउन लगाया गया था। उस दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए कुल 1,164 कैदियों को परोल पर रिहा कर दिया था, ताकि जेल में भीड़ कम हो और वहां कोरोना संक्रमण न फैले। परोल की अवधि खत्म होने पर कैदियों को जेल वापस आने का भी निर्देश दिया गया था, लेकिन अब तक 200 कैदी वापस नहीं आ सके हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों के नाम पर अवैध कब्जा को लेकर अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। प्रदेश के गृह विभाग ने आज गुरुवार को इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण हटाए जाएं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस्तेमाल की जा रही भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन अब क्लिनिक ट्रायल मोड में नहीं है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे क्लिनिकल ट्रायल से बाहर रखने की मंजूरी दी है। दरअसल कोवैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के डेटा के आधार पर विशेषज्ञ कमेटी की ओर से की गई सिफारिश के बाद DCGI ने यह फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिदाबाद औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग में एक दर्जन से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर है। जिस फैक्ट्री में आग लगी है वहां मास्क और PPE किट बनाई जाती है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान अब अपने आंदोलन को चुनावी राज्यों में लेकर जाने वाले हैं। किसान नेता अब उन राज्यों में किसान पंचायत करेंगे जहां इस महीने और अगले महीने चुनाव होने हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। राकेश टिकैत 13 मार्च को पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं, जहां वे नंदीग्राम और कोलकाता में महापंचायत करने वाले हैं। शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, वो बंद ही रहेगा उसमें, तो जब बंद रहेगा तो शांति रहेगा, जब कोई चले नहीं। और किसान से भी ये है कि भाई किसान भी ना जाएं उस दिन अपने खेत में, इसमें जाएगा ट्रैक्टर भी उस टाइम पे बंद रहेगा। ये कराए सब लोग से होकर हम ट्रांसपोर्टर से भी बात करेंगे, जो ट्रक वाले हैं या और लोग हैं उनसे भी हम बंद करेंगे और दुकानदारों से भी बंद करेंगे कि उसमें भाई दे। और एक किस्म से ये जो किसान और मजदूर कर्फ्यू है, ये दुकानदार का कर्फ्यू है, इसमें सब लोग साथ दें, ये अपील हम सबसे करेंगे। हमारा वो उस तरह का नहीं, जब बंद रहेगा तो हम सबसे सहयोग की अपील करेंगे। अभी सरकार है नहीं यहाँ पे, सरकार मिल नहीं रही कहीं से, कहाँ है सरकार, जब आ जाएगी तो बात करेंगे। वहाँ पे जाएंगे, वेस्ट बंगाल 12, 13, 14 का है तो 13 तारीख वहाँ पर रहेंगे, दो मीटिंग करेंगे, नंदीगांव और कलकत्ता में है, दो पंचायत वहाँ पर रहेगी और हम किसानों से बात करेंगे वहाँ के कि क्या उनको MSP मिल रहा है, क्या उसका लाभ कभी इनको मिला है, तो इन सारी चीज़ों पर वहाँ पर चर्चा होगी। और कहाँ कहाँ जाने का? और कुछ तो ये है कि आंदोलन चल रहा है, MSP का बड़ा सवाल है, MSP मिल जाएगा तो बिहार के किसानों को लाभ मिलेगा, बंगाल के किसानों को लाभ मिलेगा, आसाम के किसानों को लाभ मिलेगा। ये आंदोलन किसानों का है, मजदूरों का है, दुकानदारों का है। जो वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही है तो मॉल जाएगी, वो बड़े बड़े अपने हाउसेस खोल लेंगी, तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो हमारी ख़त्म होगी। जो हमारा साप्ताहिक बाजार लगते थे वो ख़त्म होंगे हमारे। तो अगला टारगेट साप्ताहिक बाजार पे है, 4.5 करोड़ लोग साप्ताहिक बाजार में काम करते हैं, वो सब खत्म होंगे। जो छोटे छोटे दुकान है, जो नक्कड़ पर दुकान जिसने कर रखी, वो खत्म होंगी। तो ये सब लोग से, आम जनता का ये आंदोलन है, इसमें सब लोग सहयोग दें। जिस तरह से गैस के सिलेंडर, डीजल ये बढ़े हैं रेट, और कर्मचारियों की पेंशन खत्म हो रही है, और MPML की पेंशन चल रही है ऐसी, तो भाई जो कानून बना रहे हैं, अगर वे अपने लिए कानून दूसरे बनाएंगे और कर्मचारियों के लिए दूसरे बनाएंगे तो ये तो देश में अब चलने वाला नहीं है। या तो पेंशन सबकी खत्म होगी या पेंशन उनको भी मिले। कोरोना वायरस महामारी के बीच वायरस पासपोर्ट खासी चर्चा में है। इस बीच चीन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। चीन ऐसा करने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है। अब देश में आने और बाहर जाने वाले के पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा जो यूजर का वैक्सीन स्टेटस और टेस्ट के नतीजे बताएगा। आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।